हेलो, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक दूसरे टॉपिक जिसका नाम है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन या सांद्रता की इकाइयाँ, अर्थात सांद्रता को हम कौन कौन से रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे या उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। सांद्रता की इकाइयों को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे विलयन क्या होते हैं या विलयन किसे कहते हैं। विलयन एक तरह से दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है, जिसमें एक जो सब्सटेंस है जिसे हम विलेय कहते हैं, वो एक दूसरा पदार्थ जिसे हम सॉल्वेंट या विलायक कहते हैं उसमें घुला हुआ होता है। तो इस तरह से इन दोनों पदार्थों का जो विलयन है या दो से अधिक पदार्थों का जो मिक्सचर है जिसे हम होमोजोनस या समांगी मिश्रण कह रहे हैं, इनसे मिलकर बनने वाला जो मिक्सचर है जो कि समांगी होता है उसे हम विलयन कहते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि समांगी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कोई भी विलयन, किसी भी विलयन में उस विलयन के किसी भी हिस्से से अगर हम अलग अलग सैंपल लेते हैं और दोनों सैंपल्स का हम एनालिसिस करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और हम ये पाते हैं कि उसमें विलेय और विलायक दोनों की मात्रा सभी जो पोर्शन है, सभी जो हिस्से है या सभी जो सैंपल्स है उनमें यदि बराबर होती है तो हम कहेंगे कि ये जो विलयन है ये समांगी विलयन कहलाता है, जिसे हम होमोजीनियस मिश्रण कह सकते हैं। कंसंट्रेशन जो टर्मोलॉजी है इस, यानी जिसे हम बोलते हैं सांद्रता, सांद्रता को व्यक्त करने का जो तरीका है उसकी कई जो इकाइयां हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम पहले डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि सांद्रता होती क्या है। सांद्रता को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि ये एक कोई भी जो विलेय है उस विलेय की दिए हुए विलयन के अंदर घुली हुई मात्रा होती है, अर्थात इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात किसी भी दिए गए विलयन के अंदर विलेय की मात्रा जो कि उसके अंदर घुली हुई है वह एक तरह से कंसंट्रेशन कहलाती है। कंसंट्रेशन को हम सामान्यतः जो विलेय है उस विलेय की उस विलयन के अंदर कितना परसेंटेज में वो जो विलेय घुला हुआ है इसकी मात्रा को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। तो कंसंट्रेशन को व्यक्त करने का जो तरीका है वो सामान्यतः यहाँ पर जो नीचे दिए गए उस हिसाब से हम इनको व्यक्त कर सकते हैं, या एक तो होता है नॉर्मेलिटी जिसे हम बोलते हैं नॉर्मलता, दूसरा होता है मोलेरिटी या मोलरता, तीसरा होता मोलेलिटी मोललता, और चौथा होता है फॉर्मेलिटी अर्थात फॉर्मलता। तो इस तरह से पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर और 100 ml और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात कोई भी जो विलेय है या कोई भी पदार्थ है जिसे हम विलेय कह सकते हैं उस विलेय की 1 लीटर विलयन के अंदर अर्थात 1000 ml के अंदर प्रेजेंट जो मात्रा है उसका जो ग्राम तुल्यांक उपस्थित है, या हम यूँ सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी भी पदार्थ के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांक की मात्रा उसकी क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता को सामान्यतः हम कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। नॉर्मलता की जो यूनिट होती है वो ग्राम प्रति लीटर होती है। नॉर्मलता का फॉर्मूला हम इस तरह से दे सकते हैं, इसको हम कैपिटल एन से व्यक्त कर रहे हैं, एन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ विलेय अर्थात किसी विलेय की ग्राम तुल्यांक मात्रा बटे सॉल्यूशन का आयतन, अर्थात हम यूँ भी इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं वेट पदार्थ का भार बटे उस पदार्थ का तुल्यांकी भार इंटू 1000 डिवाइडेड बाई BML, यानी कितने ml में वो सॉल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक और टर्मोलॉजी यूज हुई है जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, इक्विवेलेंट वेट बराबर
मोलर मास बटे एन। तो यहाँ पर मोलर मास का सीधा सीधा मतलब यह है कि उस पदार्थ का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है उसके बराबर उसका जो मास है ये क्या कहलाता है, उसका मोलर मास कहलाता है। और यहाँ पर एक दूसरा फैक्टर है नीचे दिया हुआ है डिवाइडेशन एन, और एन क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, या अर्थात उस पदार्थ के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर कोई एसिड या बेस है तो वह कितनी मात्रा में एच प्लस आयन या हाइड्रोजन आयन को लॉस्ट करता है, या एक तरह से कितने उसमें से ओ एच माइनस आयन जनरेट होते हैं, अर्थात वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट वेट है या जो तुल्यांक की भार जिसे हम कह रहे हैं, अर्थात यह एक अनुपात होता है किसी पदार्थ के जो मोलर मास और त्यागे गए और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या का एक अनुपात होता है। तो इस तरह से ये मोलरिटी होती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एटॉमिक वेट 40 होता है, जिसे हम एक तरह से मॉलिकुलर वेट जिसे हम कह सकते हैं, एटम्स को जोड़ दें तो ये इसका पूरा एक तरह से वेट आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा इसका ये। तो एक ग्राम एक एन सॉल्यूशन बनाना हमको अगर NaOH का, तो 40 ग्राम जो NaOH है उसको हम क्या करेंगे, एक लीटर पानी या एक लीटर विले, या हम कह सकते हैं कि 1000 मिलीलीटर वाटर में उसको डिजोल्व कर देंगे। और दूसरे शब्दों में यदि मान लो हमको उसका अगर 1.01 N सॉल्यूशन बनाना है, या सिंपली N/10 सॉल्यूशन बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो हमको यहाँ पर जो आवश्यक सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा होगी वो कितनी चाहिएगी, 4 ग्राम चाहिएगी। और इस 4 ग्राम को हमको एक लीटर में घोल के बनाकर तैयार कर लेते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये N/10 सॉल्यूशन होगा या 0.1 N सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से कोई भी जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का हम नॉर्मलिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें जो दूसरी यूनिट है जिसे जो इकाइया है कंसंट्रेशन की, ये होती है मोलरता, जिसे हम बोलते हैं मोलेरिटी और मोलरता। मोलरता का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, या किसी पदार्थ के मोलों की संख्या, अर्थात किसी विलेय के मोलों की संख्या जो कि एक लीटर बिलियन में उपस्थित होता है। सीधा सीधा यहाँ पर मतलब क्या है, ऐसा कोई भी विलयन, उस विलयन में कितने उस पदार्थ या उस विलेय के मोल उपस्थित है, तो यह उसकी क्या कहलाएगी, उसकी नॉर्मलता मोलरता कहलाएगी। तो यहाँ पर एक मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल का मतलब होता है पदार्थ का मास, अर्थात जिस पदार्थ की आपको मोलरता निकालनी है उस पदार्थ की कितनी मात्रा आपने घोली हुई है वो उस पदार्थ का मास आ जाएगा, बटे उस पदार्थ का मोलर मास। तो पदार्थ का मास बटे उस पदार्थ का मोलर मास, इनका जो अनुपात है, इनका जो रेशियो है, ये क्या कहलाता है, उस पदार्थ का मोल कहलाता है, एक मोल के बराबर होता है। तो ये चीज़ हो गई मोल, कि मोल होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर मोल का यूज हुआ है इसमें। तो इस कंसंट्रेशन की ये जो यूनिट है, इस कंसंट्रेशन की यूनिट को हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है मोल्स पर लीटर होती है। तो इसको इस तरह से इस फॉर्मूले के द्वारा हम डिनोट कर सकते हैं, एम इज्कवल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसी विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या हमने यहाँ से निकाल ली, तो बटे एक लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन की जो मात्रा है, यानी एक लीटर उसमें घुला हुआ है ये, या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम एम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लो एक मॉलिकुलर वेट, हम एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सैंपल लेते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिकुलर वेट है वो है 40। तो एक एम सॉल्यूशन बनाना है जैसे इसका हमको, तो ये 40 ग्राम हो गया इसका। अगर हमको एक एम सॉल्यूशन बनाना है तो सीधा सीधा यह है कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करेंगे, एक लीटर या 1000 ml वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो सामान्यतः ये 1 ml सॉल्यूशन बनेगा। अगर मान लो हमसे कहा जाए कि नहीं भैया आप इसका 0.1 ml सॉल्यूशन बनाइए या M/10 सॉल्यूशन बनाइए, तो हम क्या करेंगे, इसका 4 ग्राम लेंगे, और 4 ग्राम लेकर के और उसको 1 लीटर में डिजोल्व करवा देते हैं। तो इस तरह से प्राप्त जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 0.1 ml सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से जो मोलरिटी है
उस मोलरिटी का जो कंसंट्रेशन की जो यूनिट है उसको इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। इसमें जो दूसरी एक यूनिट और है जिसे हम बोलते हैं मोलेलिटी या मोलरता, मोललता। पहले वाला था क्या था? मोलरता। यह है मोललता। तो मोललता का मतलब है कोई भी जो सॉल्यूशन है उसके अंदर उस पदार्थ के मोलों की संख्या, सॉल्यूशन, अब यहाँ पर पहले हमने सॉल्यूशन ले रहे थे लीटर में, अब हम यहाँ पर जो सॉल्यूशन की मात्रा है वो लेंगे एक किलोग्राम के अंदर। तो एक किलोग्राम सॉल्यूशन के अंदर किसी भी विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। दोबारा हम इसको डिस्कस करेंगे। किसी भी विलयन में कि एक किलोग्राम में उपस्थित उस पदार्थ के या विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? मोललता। मोललता को डिनोट करने के लिए हम स्मॉल एम का यूज करते हैं। इसकी यूनिट मोल्स पर केजी होती है, मोल प्रति किग्रा होती है। इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसी भी जो विलेय है उस विलेय के मोलों की संख्या, जैसा कि बिल्कुल मोलरता में भी हम विलेय के मोलों की संख्या ही लेते थे, लेकिन डिवाइडेड बाई 1 किलोग्राम्स और 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। ये यहाँ पर अंतर बस ये है उसमें और इसमें, तो ये मोललता कहलाएगी। एग्जाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं। मान लो हम अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही एग्जाम्पल लेंगे, सभी में यूनिफॉर्मिटी रहेगी। जैसे मॉलिकुलर वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको पता है 40 होता है, और इसका आपको अगर मान लो 1M सॉल्यूशन बनाना है, 1M सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा, और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है 40 ग्राम इसको हम क्या करेंगे, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर इसको डिजोल्व कर देंगे। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन की मोललता आएगी वो 1M मोलल सॉल्यूशन होगा। अगर मान लो यही आपको अगर बनाना पड़ता है, 0.1M सॉल्यूशन बनाना पड़ता है या M/10 सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर के और इसको अगेन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, दैट इज मोलेलिटी या मोललता। अब इसमें अगर हम ये देखें कि आखिर में इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, मोललता और मोलरता, दोनों में आखिर में अंतर क्या है? अंतर यह है कि जो मोलरता है उस मोलरता को तो हमने देखिए यहाँ पर कैपिटल M से इंडिकेट किया जा रहा है, जो मोललता है उस मोललता को स्मॉल M से इंडिकेट किया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मोलरता में, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के और वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है सॉल्यूशन का उसके अंदर ये जो प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड मोलेलिटी अगर डेफिनेशन के हिसाब से हम देखें तो। लेकिन मोलेलिटी में क्या होता है, मोलेलिटी मतलब वही नंबर ऑफ मोल्स होता है, लेकिन जो सॉल्यूशन की मात्रा होती है वो हम किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, जो सॉल्वेंट होता है उसको हम किलोग्राम में लेते हैं, जबकि इधर हम सॉल्वेंट की जो मात्रा है उसको हम किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोलेलिटी एंड मोलेलिटी। दूसरी बात, जो मोलरता होती है, मोलरता टेम्परेचर के साथ परिवर्तित होती है, जबकि मोलेलिटी या मोललता में टेम्परेचर के साथ में कोई परिवर्तन नहीं रहता, अर्थात टेम्परेचर के साथ ये अपरिवर्तित रहती है। मोलरता का ताप के साथ परिवर्तित होने का जो कारण है, हम ये मान के चलते हैं कि जब किसी भी विलयन का जब आप टेम्परेचर राइज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो ये हमको पता है कि टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट में वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, मोलेलिटी में कमी आएगी। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मोलरता में कमी आ जाती है, जबकि यहाँ पर चूंकि आपने किलोग्राम में लिया हुआ है इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं आता। तो इन दोनों के बीच में ये बेसिक डिफरेंस होता है मोलरता और मोलेलिटी के अंदर। इसमें नेक्स्ट एक जो दूसरी टर्मोलॉजी है कंसंट्रेशन को व्यक्त करने की, चौथी जो टर्मोलॉजी है ये होती है फॉर्मेलिटी या फॉर्मलता। फॉर्मलता से हमारा सीधा सीधा मतलब है कि इसको इस तरह से हम व्यक्त करते हैं
कि नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ ए सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला सॉल्यूशन। अर्थात कोई भी जो विलयन है उस विलयन में प्रेजेंट किसी भी पदार्थ के फॉर्मूला मास के बराबर कोई विलेय अगर उसके अंदर घुला हुआ है। फॉर्मूला मास से सीधा सीधा मतलब है उसका जो रासायनिक फॉर्मूला है किसी भी पदार्थ का उसके मास के बराबर उसके द्रव्यमान के बराबर अगर 1 लीटर के अंदर कोई विलेय घुला हुआ है तो क्या कहलाएगा, वो फॉर्मल सॉल्यूशन कहलाता है। अर्थात उस सॉल्यूशन की जो फॉर्मेलिटी है वो 1 कहलाती है। फॉर्मलता को हम कैपिटल एफ से इंडिकेट कर सकते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो ग्राम पर लीटर में व्यक्त करते हैं इसको। तो एफ का फॉर्मूला हम इस तरह से भी दे सकते हैं, 1000 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में। ये हम फॉर्मूला मास है ये, इसलिए जो सॉल्यूट की मात्रा है उसको हम किस में व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर ग्राम के अंदर, डिवाइडेड बाई फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट का फॉर्मूला मास ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितनी मात्रा में वो सॉल्यूशन हमको बनाना है या कितनी अमाउंट है उसकी, ये ml में हम यहाँ पर व्यक्त करते हैं। यदि हम ये मान के चलते हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं कि जब मान लो कोई भी जो दो सब्सटेंसेज हैं उनका अगर मान लो जो फॉर्मूला मास है और जो मॉलिकुलर मास है तो अगर वो इक्वल है दोनों के लिए तो हम कहेंगे कि उसकी जो फॉर्मलता है और मोलरता दोनों आपस में बराबर होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से उनमें बिल्कुल जो कोरिलेशन है ये कि वो बराबर होगी, फॉर्मलता और मोलरता दोनों बराबर होगी। फॉर्मलता स्पेशली ऐसे सब्सटेंसेज के लिए यूज किया जाता है जो सामान्यतः आयनिक प्रकृति के होते हैं। ऐसे पदार्थ जो कि आयनिक नेचर के होते हैं, आयनिक प्रकृति के होते हैं, उनके लिए सामान्यतः हम फॉर्मलता टर्मोलॉजी का यूज करते हैं या कंसंट्रेशन की जो टर्म है इसका यूज करते हैं। मुख्य रूप से ऐसे सब्सटेंसेज जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, TI है, कैल्शियम सल्फेट है, या कैल्शियम इस तरह के जो अदर सब्सटेंसेज जो कि आयनिक प्रकृति के होते हैं उनके लिए हम फॉर्मेलिटी का यूज करते हैं, ठीक है। थैंक यू।